टीकमगढ़ के ताल दरवाजा में स्थित 200 साल पुराने केत के मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। मंदिर में 6 जुलाई को राधा रानी सरकार की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी और 7 जुलाई को भव्य भंडारा आयोजित किया जाएगा। मंदिर में पुजारी पंडित मुकेशानंद महाराज ने बताया कि यह मंदिर 200 साल पुराना है, जो काफ़ी जर्जर हो गया है। इस मंदिर का 4 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा था। गर्भगृह और मुख्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, इसलिए मंदिर में राधा रानी सरकार की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। मुकेशानंद जी ने बताया कि मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पंडित जी बताएं, कौन सा मंदिर है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? ये केत का मंदिर है, ताल दरवाजे में स्थित है। तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति है, हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर जी। वो दिव्य मूर्ति है कि जिले में भी ऐसी मूर्ति नहीं है। कितने साल पुरानी है? 250-300 है हमारे मतलब हिसाब से, तो 250-300 साल है। क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आज कार्यक्रम कलश यात्रा थी, जो केत के मंदिर से प्रतापेश्वर महादेव तालाब पर पहुँचे, वहाँ पूजन किया वरुण का, तो वहाँ घट भर कर सभी लोग अपने सिर पर रख कर लाए। आगे क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? आगे कार्यक्रम ये है कि आज चौक चक्र बनेंगे और प्रातःकाल पूजन प्रारंभ होगा, गणपति गौरी का, पीठों का पूजन होगा, सबका आह्वान होगा, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, शंकर जी का, जो भी देवता हैं सभी का आह्वान होगा, पूजन होगा। भंडारा कब का है? भंडारा 7 तारीख का है और 5 तारीख को जलादिवास, अनादिवास, फलादिवास, पुष्पादिवास और मिष्ठानादिवास में रखेंगे और 6 तारीख को हवन, भगवान की प्रतिष्ठा पूर्णा होती है और 7 तारीख को भंडारा हो जाएगा। के मंदिर की जय। अर्चना द्विवेदी, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है, कितना पुराना मंदिर था? ये 100-200 साल पुराना मंदिर है, कैद के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहले भी इस मंदिर में बहुत अच्छे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन कुछ समय से ये थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसके कारण से इसको नया बनाया गया है। सभी लोगों के सहयोग से, मोहल्ले वालों के सहयोग से, कुछ और अन्य लोगों के सहयोग से ये मंदिर आज बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। आज इधर कलश यात्रा निकाली गई है, आज से कार्यक्रम चालू है, 6-7 तारीख तक रहेंगे, लास्ट दिन भंडारा रहेगा और हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि ये मंदिर बनके तैयार हो गया है और भगवान इसमें विराजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।